आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा मुहिम की शुरुआत करते हुए दिल्ली की जनता से सीधा संवाद किया। केजरीवाल ने 6 मुफ्त सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो ये सुविधाएं छीन ली जाएंगी। साथ ही एक और नई सुविधा का ऐलान भी किया। आइए जानते हैं क्या हैं ये 6 सुविधाएं और उनकी घोषणा के पीछे वजह क्या है। सरकार की तरफ से दी जा रही 6 मुफ्त सुविधाओं को अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी कहा और बताया कि ये रेवड़ियां दिल्ली की जनता के लिए जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए हैं। केजरीवाल ने 6 अलग अलग रेवड़ियों के बारे में एक एक करके जनता से संवाद किया। कहा, पहली रेवड़ी फ्री बिजली और नो पावर कट। उनकी सरकार से पहले दिल्ली में 8 से 10 घंटे के पावर कट होते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है और वो भी मुफ्त। वहीं दूसरी रेवड़ी है मुफ्त पानी, हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं भाई, हाँ हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। केजरीवाल ने ये भी कहा कि तीसरी रेवड़ी है अच्छी और शानदार स्कूली शिक्षा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, अब 18 लाख बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं चौथी रेवड़ी मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल। दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। वहीं पांचवी रेवड़ी के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। साथ ही छठी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, जिसके तहत दिल्ली सरकार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देती है। इसके साथ ही केजरीवाल ने सातवीं रेवड़ी का ऐलान किया है और कहा कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनी तो हर महिला के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए, तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। ये 6 रेवड़ियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने सभी को आश्वासन दिया और कहा कि हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जो वादा किया वो पूरा किया जाएगा। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए देने का ऐलान हमारी अगली योजना है। आपने रेवड़ी पर चर्चा मुहिम के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि ये मुफ्त सुविधाएं जनता का हक है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी वादा बताती है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।